everyone so we are solving previous year questions of the chapter human reproduction and the topic gametogenesis in today's session we are going to solve a long answer type question of 5 marks which was asked in the cbse board in 2020 so the question is a part differentiate between spermatogenesis and oogenesis on the basis of first time of initiation of the process second site of completion of the process थर्ड नेचर ऑफ मिओिक डिविजन अंडरगोन बाइ गोलिंग स्पर्मेटो इन ह्यूमंस। तो बेटा इस क्वेश्चन के ए पार्ट में हमें स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस में डिफ्रेंशियट करना है ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट एंड बी पार्ट में हमें हॉर्मोन्स का नेम एंड फंक्शन बताना है जो इन्वॉल्व रहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में क्लियर सो लेट्स टेक द आंसर सो हेयर इज द ए पार्ट डिफरेंस बिटवीन स्पोमेटोजेस एंड ऊजेसिस फर्स्ट पॉइंट में हमें टाइम ऑफ डिफरेंस बताना था. तो बेटा जो स्पर्मेटो होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी पे और ऊ स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम सो स्पर्मेटोजेनेसिस एट द एज ऑफ प्यूबर्टी एंड ऊ एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फिर सेकेंड पॉइंट में हमें साइट ऑफ कंप्लीस बतानी थी दोनों प्रोसेसिस की तो बेटा जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ये टेस्टिस में कंप्लीट होता है और ओजेनेसिस कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में इन द ओवरी देन थर्ड पॉइंट में हमें म्योटिक डिवीजन का नेचर बताना था तो स्पर्मेटोजेनेसिस में जो म्योसिस होता है वो इक्वल डिवीजन शो करता है और ओजेनेसिस में अनइक्वल डिवीजन क्लियर देन बी पार्ट में हमें हॉर्मोन्स का रोल और नेम बताना था स्पर्मेटोजेनेसिस में तो उनका नेम है लुटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल हार्मोन ये बेटा रिलीज होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी से जब जीएनआरएच एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है उसके बाद जो एलएच होता है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है जो सिंथेसाइज और सिक्रीट करता है एंड्रोजेंस और एंड्रोजन स्टमुलेट करता है स्पर्मेटोजेनेसिस फिर एफ बेटा सर्टोली सेल्स पे एक्ट करता है और वो फर्दर कुछ फैक्टर्स रिलीज करते हैं जो इनिशिएट करता है स्पर्मियोजेनेसिस Clear? So, spermatogenesis starts at the age of puberty due to significant increase in the secretion of gonadotropin releasing hormone, that is GNRH, a hypothalamic hormone. The increased levels of GNRH then act at the anterior pituitary gland and stimulates secretion of two gonadotropins, luteinizing hormone LH and follicle stimulating hormone FSH. LH acts at the LADIC cells and stimulates synthesis and secretion of androgens. androgens in turn, stimulate the process of spermatogenesis. FSH acts on the Sertoli cells and stimulates secretion of some factors which help in the process of spermiogenesis. So, I hope this question is clear to you. Thank you.